हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम जयश्री यादव सो बच्चों हम क्लास ट्वेल्थ का अकाउंट्स कर रहे हैं मैं आपको एम क्वेश्चन करा रही हूँ दिस इज़ पार्ट थ्री ऑफ अकाउंटिंग रेशियो ठीक है पार्ट टू मैं अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ ये पार्ट थ्री है वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो उस मेहनत का फल मुझे दे दो ठीक है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फिफ्टी वन क्वेश्चन इक्विटी रेशियो हमारा क्या होता है लिक्विडिटी रेशियो 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 सॉल्वेंसी एक्टिविटी या ऑपरेटिंग ठीक है तो इक्विटी रेशियो अभी यहां से हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ने वाले हैं स्टार्ट एमसी क्यू स्टार्ट हो गया तो डेप्ट इक्विटी रेशियो किसके अंडर आता है लिक्विडिटी हम कर चुके हैं लिक्विडिटी में तो सिर्फ दो ही आते हैं राइट तो ये किसका आएगा बच्चे सॉल्वेंसी रेशियो के अंडर हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो आता है ठीक है नाउ फिफ्टी टू क्वेश्चन डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है फॉर्मूला क्या है डेप्ट इक्विटी रेशियो का ठीक है लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड्स देखो फॉर्मूल नाम में ही फॉर्मूला छुपा हुआ है ठीक है डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी डेप्ट हमारे क्या होते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट ठीक है ओनली लॉन्ग टर्म डेप्ट को ही हम कंसीडर करते हैं इक्विटी हमारी क्या होती है शेयर होल्डर फंड्स कि भाई पैसा कितना लगा रखा है कंपनी में ठीक है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा ए लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड क्लियर नेक्स्ट प्रोप्राइटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है लॉन्ग टर्म डेप डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स अभी अभी हमने पढ़ा था ये डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है तो ये तो होगा नहीं टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स ये भी नहीं है शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ठीक है तो प्रॉपर्टी रेशियो का फार्मूला आपका यही है बच्चे शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी क्लियर अब हम 54 क्वेश्चन देख लेते हैं तो 54 क्वेश्चन देखो फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है 5 लाख करंट एसेट्स 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रिजर्व इज 2 लाख लॉन्ग टर्म डेट्स आपको गिवन है 40000 प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी प्रोप्राइटरी रेशियो आपसे पूछा है तो आप सॉल्व कर लोगे इसे बहुत ही सिंपल है ये वाला ठीक है देखो फिफ्टी फोर का प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला अभी अभी हमने किया था प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट कर लेंगे तो शेयर होल्डर फंड्स हमारा क्या क्या है भाई यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है फोर लैख प्लस रिजर्व टू लैख ठीक है तो कितना आ जाएगा ये हमारा सिक्स लैख शेयर होल्डर फंड्स में यही दो चीजें आएंगी उसके बाद टोटल एसेट्स हमारा क्या होता है बच्चे टोटल एसेट्स मतलब उसमें नॉन करेंट एसेट्स एंड करंट एसिड्स दोनों के दोनों आएंगे हमारे क्लियर तो फिर यहाँ पे कौन कौन सी हमारी टोटल एसेट्स में आएगा देखो फाइव लैख फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स हमारी कितनी है थ्री लैख बस यही दो तो चीजें आएंगी लॉन्ग टर्म डेप्त तो हम इसको कंसीडर करेंगे ही नहीं क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कहीं भी हमें लॉन्ग टर्म तो चाहिए ही नहीं राइट तो ये कितना आ गया हमारा एट लैख अब बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे क्या आ जाएगा सिक्स लैख डिवाइडेड बाय एट लैख इन टू हंड्रेड ठीक है प्रोपराइटरी रेशियो हमारा परसेंट में निकलता है तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका सेवेंटी फाइव परसेंट आपका आ जाएगा क्लियर तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा ए ए इज द राइट आंसर नाउ फिफ्टी फाइव क्वेश्चन देख लेते हैं द डैश रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म कौन सा रेशियो हमें प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म ऑपरेशन ऑफ द फर्म ठीक है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा लिक्विडिटी एक्टिविटी सॉल्वेंसी या प्रॉफिटेबिलिटी तो इसका राइट right आंसर बच्चे आपका होगा सी दैट इज सोल्वेंसी सॉल्वेंसी रेशियो ठीक है नाउ फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन इफ़ डेप्ट एक रेशियो एक्सीड्स डैश इट इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजिशन ठीक है अगर डेप्ट एकविटी रेशियो ये एक्सीड कर देगा तो वो क्या रिस्की फाइनेंशियल पोजिशन शो करेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिफ्टी सिक्स का वन इज़ टू वन है टू इज टू वन है वन इज टू टू है या थ्री इज टू वन है तो इसका राइट right आंसर क्या है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इन डेप्ट इक्विटी रेशियो डेप्ट रेफर्स टू डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट किसको रेफर करता है डेप्ट हाँ होता है हमारा ओनली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ठीक है लॉन्ग टर्म होगा सिर्फ करेंट लाइबिलिटी को हम इसमें कंसीडर नहीं करते बच्चे ओनली लॉन्ग टर्म तो या तो शॉर्ट टर्म डेप्स है लॉन्ग टर्म डेप्स है टोटल डेप्स है डिबेंचर एंड करेंट लाइबिलिटीज तो राइट right आंसर क्या आएगा इसका बी लॉन्ग टर्म डेप्ट क्लियर अब फिफ्टी एट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपराइटर फंड एंड डैश प्रोप्राइटरी रेशियो अपना रिलेशनशिप किसके बीच में शो करता है बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड वो कौन सा एक और है भाई लॉन्ग टर्म डेप्ट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेप्स टोटल एसेट्स या डिबेंचर्स तो इसका राइट right आंसर क्या होगा बच्चे टोटल एसेट्स राइट शेयर होल्डर फंडेड बाई टोटल एसेट्स तो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर फंड एंड टोटल एसेट्स फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विटी रेशियो इज ठीक है डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होगा शेयर शॉर्ट टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड्स शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म डेप्त डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड न अब तो बच्चे बताओ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिख रहा है ठीक है तो ये फॉर्मूला हमारा है ही नहीं देखो यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म डेप्ट है शेयर होल्डर फंड है शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट है तो इसका राइट right आंसर क्या होगा नन ऑफ द अबव ठीक है क्योंकि डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी तो यहाँ पे है ही नहीं नाउ सिक्सटी क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आपको ट्वेंटी लैक्स गिवन है रिजर्व फाइव लैक्स डिबेंचर्स टेन लैक्स करेंट लाइबिलिटी एट लैक्स डेप्ट इक्विटी रेशियो विल बी तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है सिक्सटी क्वेश्चन में तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है डेप्ट बाय इक्विटी राइट ठीक है तो अब आप कैसे करोगे भाई यहाँ पे हमारी डेप्ट कितनी है बताओ जल्दी से डेप्ट हमारा यहाँ पे क्या चीज हम इसको कंसीडर करेंगे डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म करेंट लाइबिलिटीज में कंसीडर करते हैं तो डेप्ट हमारा कितना आ गया टेन लाख डिडेड बाई इक्विटी हमारी यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे इक्विटी को हम ट्वेंटी लैक्स प्लस फाइव लैख इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इज हमारा इक्विटी ठीक है तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई ट्वेंटी फाइव लैक्स अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर इज टू वन ठीक है आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये रेशियो आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे राइट right आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर नाउ वन देख लेते हैं हम डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी इज वन इज टू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज इट ठीक है तो देखो इश्यू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश रेशियो ऑफ़ ऑफ़ अ कंपनी द विल ट्रांजेक्शन इट ठीक है कौन सा ट्रांजेक्शन इंक्रीज करेगा इस इक्विटी रेशियो को वो हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले देखो बच्चे इशू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश ठीक है सिक्सटी वन का ए पार्ट देखो आप इशू ऑफ शेयर कर रहे हो फॉर कैश डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है डेप्ट बाय इक्विटी वन इज टू टू है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वन लैख डिवाइडेड बाय टू लैख क्लियर ठीक है अब आपने इशू करे हैं शेयर्स को ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश तो डेप्ट पे तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेप्ट तो उतना ही रहेगा फर्स्ट केस में डेप्ट तो वन लाख ही रहेगा हमारा लेकिन इक्विटी पे हमारा क्या होगा इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हम इशू कर रहे हैं न्यू शेयर्स को तो हमारे इक्विटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि टू लाख प्लस कि हमने शेयर इक्विटी कितने की इशू करी है फिफ्टी थाउजेंड की तो इसको आप करोगे सॉल्व तो ये हमारा कितना आ जाएगा वन लैख डिवाइडेड बाई टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जीरो पॉइंट फोर वन आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज क्लियर बच्चे ठीक है अब नेक्स्ट देखो सेकंड केस सेकंड में क्या हो रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डिबेंचर्स हमारे रिडम्पशन हो रहे हैं रिडीम हो रहे हैं ठीक है तो इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा Debt पे इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज डिबेंचर्स है ये हमारे तो वन लैक था हमने अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे रिडीम हो गए डिबेंचर्स हमने रीपेमेंट करी है तो हमने फिफ्टी थाउजेंड हम मान के चल रहे हैं कि हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू रिडीम हो गई है ठीक है तो नीचे हमारा इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इक्विटी हमारी टू लैख ही रहेगी तो ये हमारा क्या आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू लैख तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई आप इसको सॉल्व कर लो जीरो पॉइंट टू फाइव तो ये भी हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज ठीक है नाउ थर्ड देखो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश आपने डिचर्स इशू करे हैं कैश में ठीक है तो इसमें हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स थर्ड केस में देखो जब भी आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो बच्चे तो यहाँ पे हमारा किस पे इफेक्ट पड़ेगा डेप्ट पड़ेगा राइट इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला तो यहाँ पे वन लैख हमारे पास ऑलरेडी है हम मान के चल रहे हैं कि हमने इशू करें डिबेंचर्स टू लैख के ठीक है और यहाँ पे हमारा इक्विटी कितने की है टू लैख की तो ये हमारा कितना आ जाएगा थ्री लैख डिवाइडेड बाई टू लैख अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये थ्री डिवाइडेड बाई टू तो ये आपका आ जाएगा वन पॉइंट फाइव तो ये हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज ठीक है यहीं पे आपको आंसर मिल गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा सी गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट इसको तो हम कहीं शो ही नहीं करेंगे ना ही डेप्ट में ना ही इक्विटी में राइट right? क्योंकि में हम क्या लेते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और इक्विटी में तो हम इसे कंसीडर करेंगे ही नहीं तो इसीलिए ये ऑप्शन तो हमारे लिए है ही नहीं कैंसिल हो गया और इन दोनों का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे ही दी तो इसमें से इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश इज द राइट आंसर अब सिक्सटी टू क्वेश्चन देखो

नाउ सिक्सटी थ्री क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा द डेप्टविटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी क्या रहेगी इक्विटी शेयर कैपिटल फाइव लैख जर्नर रिजर्व थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड प्रिमरी एक्सपेंसिस हमें गिवन है ट्वेंटी थाउजेंड के ठीक है एंड डिबेंचर थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड करेंट लाइबिलिटी हमारी है एट्टी थाउजेंड ऑप्शन हमें गिवन है अब देखो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सबको पता ही है डेप्ट बाई इक्विटी तो सबसे पहले हम डेप्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो डेप्ट आपके क्या गिवन है बच्चे यहाँ पे डिबेंचर्स सिर्फ डिबेंचर्स ही है हमारे यहाँ पे डेप्ट तो थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी में क्या चीजें आएंगी देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ कितना है फाइव लैख प्लस जनरल रिजर्व आपको गिवन है थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है एंड प्रिमिनरी एक्सपेंसेस आपको गिवन है तो एक्सपेंसेस बेचे हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं माइनस कर देंगे ठीक है तो ट्वेंटी थाउजेंड के आप एक्सपेंसेस लेस कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा एट लाख क्लियर ठीक है अब हम इक्विटी हमारी आ गई एट लाख अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका कितना रेशियो आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर इज टू वन ठीक है क्लियर तो इसका राइट आंसर थ्री का आपका क्या आएगा सी इज द राइट आंसर नाउ सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ फर्म इट्स डेप्ट इक्विटी रेशियो विल बी डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है फाइव लाख एट्टी थाउजेंड रिजर्व फंड फोर लाख थर्टी थाउजेंड पी एक्सपेंसिस लॉन्ग टर्म डेप्स वन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड डिबेंचर आपको गिवन है टू लाख थर्टी थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पे कैसे करोगे देखो ठीक है तो सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन देखो सबसे पहले हम डेप्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा डेप्ट हमारा क्या है डेप्ट बाई इक्विटी यही फॉर्मूला है ठीक है तो डेप्ट हमारा कैसे यहाँ पे डेप्ट हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें गिवन है वन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड प्लस डिबेंचर्स भी हम क्या कर कंसीडर करते हैं इसे लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर ही तो टू थर्टी थाउजेंड आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा थ्री फिफ्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड ठीक है अब इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो इक्विटी भी सिंपल बच्चे आपको गिवन है फाइव लैख एटी थाउजेंड प्लस रिजर्व फंड फोर लैख थर्टी थाउजेंड माइनस एक्सपेंसेस फोर्टी थाउजेंड तो ये आपका कितना आ जाएगा नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे डेप्ट कितना है थ्री लैख फिफ्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाय नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड तो ये आपका कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सेवन इज टू वन क्लियर ठीक है तो यहाँ पे हमारा क्या रेशियो आ जाएगी भाई राइट ऑप्शन क्या है यहाँ का हमारा डी इज द राइट ऑप्शन अब सिक्सटी फाइव क्वेश्चन देखो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ अ कंपनी विल बी यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो हमसे पूछ रहा है ठीक है इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है डिबेंचर्स मतलब आपको गिवन है टू लैख फोर्टी थाउजेंड के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ठीक है लॉस मतलब डेबिट बैलेंस आपको गिवन है फोर्टी थाउजेंड के तो आपको कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले तो प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है शेयर होल्डर बाय टोटल एसेट्स सिक्सटी फाइव प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ठीक है तो यहाँ पे देखो शेयर होल्डर फंड्स आपको क्या गिवन है सिक्स लाख के आपको शेयर होल्डर फंड्स गिवन है लेकिन उसमें से हमें पी एन एल डेबिट बैलेंस गिवन है ये हम माइनस करेंगे राइट तो शेयर होल्डर फंड्स आपको कितना है सिक्स लाख में से आप अगर फोर्टी थाउजेंड माइनस कर दोगे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स सिक्स लाख माइनस फोर्टी थाउजेंड आपका आ जाएगा फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है उसके बाद टोटल एसेट्स देख लेते हैं कि टोटल एसेट्स में हमें क्या चीजें गिवन है तो बच्चे यहाँ पे आपको देखो टोटल एसेट्स में कुछ भी चीजें गिवन नहीं है राइट क्लियर तो हमें करना क्या है देखो मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट बना के दिखा रही हूँ ठीक है यहाँ पे हम एसेट साइड लिखते हैं यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी होती है ये एसेट्स में दो चीजें आती है हमारी नॉन करंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स इसका टोटल ठीक है लाइबिलिटीज में हमारे यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स आते हैं शेयर होल्डर फंड्स एंड डेप्थ में क्या आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज इसका टोटल एंड एसेट्स का और लाइबिलिटी का इक्वल आता है टोटल अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है लाइबिलिटी साइड की चीजें आपको गिवन है तो इन चीज़ों से हम अगर हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा एसेट्स आ जाएगी टोटल एसेट्स ही आपको चाहिए ना आपको लाइबलिटी साइड की चीज़ें गिवन है ठीक है जो जो चीज़ें आपकी लाइबलिटी साइड में आती है वो सारी आपको गिवन है तो एसेट्स हमारा निकल आएगा ठीक है तो ये फॉर्मूला बन गया रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चे सिर्फ आप बैलेंस शीट बना के देख लो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि एसेट्स और लाइबलिटी साइड का हमारा टोटल सेम होता है अगर आपको कोई भी चीज़ें गिवन है तो आप उसको प्लस माइनस करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमें ये चीजें गिवन है तो हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल देखो टोटल एसेट्स आपका कैसे निकलेगा आपको शेयर होल्डर फंड्स मतलब शेयर कैपिटल गिवन है सिक्स लाख का ठीक है प्लस क्या करेंगे भाई डिबेंचर्स भी आपको गिवन है टू लैख फोर्टी थाउजेंड कर देंगे माइनस आपको लॉस वहां पे पी एन एल हमें डेबिट बैलेंस गिवन है तो उसे हम माइनस कर देंगे फोर्टी थाउजेंड तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा आंसर एट एट लाख ठीक है अब बस फॉर्मूले में पुट करेंगे फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय एट लाख इन टू हंड्रेड क्योंकि ये हमारी परसेंटेज में निकलती है तो इन टू हंड्रेड करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा सेवेंटी क्लियर? तो इसका राइट right आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी ठीक है नाउ सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ फर्म, इट्स प्रोपराइटरी रेशियो विल बी प्रोप्राइटरी रेशियो ही कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला है फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है करंट एसेट्स आपको गिवन है एक्सपेंसेस आपको एक्सपेंसिस टू लैख फोर्टी फोर थाउजेंड गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वन लैख सेवेंटी थाउजेंड एंड रिजर्व फंड आपको गिवन है तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे बहुत सिंपल है सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन देखो सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं अपना ठीक है तो शेयर होल्डर आपको क्या क्या चीजें गिवन है देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है टू लैख फोर्टी फोर थाउजेंड टू लैख फोर्टी फोर थाउजेंड प्लस क्या करोगे प्रिफरेंस शेयर कैपिटल वन लैख सेवेंटी थाउजेंड प्लस फिफ्टी एट थाउजेंड ठीक है प्रिफ... रिजर्व फंड माइनस प्रिमरी एक्सपेंसेस कितने के गिवन है बच्चे आपको यहाँ पे थर्टी थाउजेंड आप माइनस कर दोगे तो ये आपका कितना आंसर निकल के आ जाएगा फोर लैख फोर्टी टू थाउजेंड ठीक है अब टोटल एसेट्स सारी चीजें आपको गिवन है फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन है थ्री लैख थर्टी थाउजेंड थ्री लैख थर्टी थाउजेंड प्लस करंट एसेट्स आपको गिवन है वन लैख नाइनटी थाउजेंड के ऐड कर देंगे देखो एसेट्स में यही आते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स आपको गिवन ही है फिक्स्ड एसेट्स भी गिवन है करंट एसेट्स भी गिवन है दोनों को टोटल कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है फॉर्मूले में पुट कर देंगे फोर लैख फोर्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव ट्वेंटी थाउजेंड तो ये हमारा इन टू हंड्रेड करेंगे तो कितना आ जाएगा एटी फाइव परसेंट इज इट क्लियर ठीक है तो इसका राइट आंसर 66 का है सी इज द राइट आंसर अब सिक्सटी सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अ कंपनीज टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो विल बी अब यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है भाई टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो देखो टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चे ठीक है वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है करेंट लाइबिलिटी आपको गिवन है यहाँ पे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड की फिक्स्ड एसेट्स फोर लैख डिबेंचर्स टू लैख लॉन्ग टर्म बैंक लोन फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो हमें क्या निकालना है भाई टोटल एसेट्स बाय डेप्ट तो क्वेश्चन देखो डिडेड बाई डेप्ट फॉर्मूला है तो टोटल एसिड्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे क्या चीजें आपको यहाँ पे गिवन है देखो सबसे पहले टोटल एसिड्स आपको बच्चे यहाँ पे गिवन नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है अब कैसे कैलकुलेट करोगे ये देखो जो मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई थी उसी बैलेंस शीट में आ जाओ आपको लाइबिलिटी साइड की चीजें नजर आ रही हैं इधर वर्किंग कैपिटल करेंट लाइबिलिटीज फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन है यहाँ पे डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स राइट क्लियर तो उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा ठीक है तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप टोटल एसेट्स आपको पता है कि यहाँ पे आपको गिवन है वर्किंग कैपिटल हमारा बेसिकली होता क्या है वर्किंग कैपिटल शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज हमारा क्या होता है वर्किंग कैपिटल ठीक है ये आपकी वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है करेंट लाइबिलिटीज भी आपको गिवन है तो हमारा निकल जाएगा फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है आपको गिवन है फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड वर्किंग कैपिटल गिवन है करेंट लाइबिलिटी कितना है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस वन लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस आपको फिक्स्ड एसेट्स आपको कितना गिवन है बच्चे यहाँ पे फोर लैख ,00 का आपको क्या गिवन है फिक्स्ड एसेट तो उसको भी हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे ठीक है तो ये हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहां पे टेन लैक्स क्लियर अब डेप्ट कैसे कैलकुलेट करोगे डेप्ट यहां पे हमारे कौन से होते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट ठीक है मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अब यहाँ पे हमारी डेप्ट कौन कौन सी हो जाएगी एक तो डिबेंचर हो जाएंगे टू लाख ,00 के एंड बैंक लोन हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड का तो डेप्ट कितना हो जाएगा टू लाख प्लस फिफ्टी थाउजेंड टू लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है क्लियर अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप टोटल एसेट्स हमारी कितनी है टेन लैक्स डिवाइडेड बाय टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा फोर इस टू वन ठीक है ये सीधा कट जाएगा तो फोर इस टू वन आ गया है हमारा तो सिक्सटी सेवेंथ का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा बी क्लियर बच्चे नाउ सिक्सटी एथ क्वेश्चन देखो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ फर्म इट्स टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल है भाई इसका टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाई डेप्ट फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड्स आपको गिवन है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है करेंट लाइबिलिटी गिवन है करेंट एसेट्स आपको गिवन है एंड टोटल एसेट्स आपको गिवन है ठीक है सिंपल तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो सिक्सटी एट क्वेश्चन ठीक है सबसे पहले तो टोटल एसेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है सिक्स लैक्स अब हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई डेप्ट डेप्ट मींस लॉन्ग टर्म ठीक है यहाँ पे करेंट एसेट्स गिवन है पर आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे बच्चे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल एसेट्स आपको गिवन है तो करेंट एसेट्स तो इसी में इंक्लूड होगा ही ठीक है ये कंफ्यूज करने के लिए आपको गिवन है अब देखो शेयर होल्डर फंड्स आपको यहाँ पे गिवन है एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कई बच्चे क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे बट बच्चे आपको ये नहीं करना क्योंकि आपको शेयर होल्डर फंड्स आपको ऑलरेडी गिवन है शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या आते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस राइट right? तो जब आपको शेयर होल्डर फंड ही गिवन है तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको तो ये अमाउंट गिवन है शेयर होल्डर फंड्स की तो आप इसमें से कुछ भी लेस नहीं करोगे ठीक है अगर आपको शेयर कैपिटल गिवन होता तो आप उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस माइनस करते इज इट क्लियर तो यहां पे हम डायरेक्ट ले लेंगे टू लैख प्लस करेंट लाइबिलिटी आपको गिवन है वन लाख ,00 की तो करंट लाइबिलिटी भी ऐड कर लेंगे इसमें तो ये हमारा कितना आ जाएगा थ्री लाख ,00 आप फॉर्मूले में फुट कर दो तो क्या आ जाएगा ये हमारा सिक्स लाख डिवाइडेड बाय थ्री लाख तो ये हमारा टू इस टू वन रेशियो आ गया ठीक है तो सिक्सटी एट का इज द राइट आंसर अब नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्सटी नाइन्थ क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो यहां से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे अब ठीक है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री या ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री तो राइट right आंसर आपका यहाँ पे क्या है सिक्सटी नाइन का सी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से इज इट क्लियर अब सेवेंटी क्वेश्चन देखो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है परचेज कैरेज वेजेस इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है तो सेम इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री क्लियर अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे ये वाला भी सिर्फ फॉर्मूले में हमें देखना है कि क्या क्या चीजें आएंगी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप कैलकुलेट करते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री तो सबसे पहले हम सीओजीएस कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सीओजीएस कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ठीक है परचेज ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है हमारी वन लैक प्लस परचेज आपको कितना गिवन है भाई यहाँ पे सिक्स लैक्स प्लस वेजेस कैरेज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मतलब जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको भी आपको इधर ही कंसीडर करना है ठीक है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके कितने की गिवन है यहाँ पे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा सेवन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड इज इट क्लियर ठीक है अब एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कैसे करते हैं एवरेज इन्वेंट्री होता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था भाई हमारा वन लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री वन फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू आप करोगे इससे कैलकुलेट ठीक है तो ये हमारा आ जाएगा वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज इट क्लियर बच्चे अब फॉर्मूले में हम इसे पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सेवन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये हमारा आ जाएगा आंसर सिक्स पॉइंट टू टाइम्स ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा डी इज द राइट ऑप्शन आप सेवेंटी वन क्वेश्चन देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एट लैक है जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ट्वेंटी फाइव परसेंट ओपनिंग इन्वेंट्री वन लैख क्लोजिंग इन्वेंट्री है सिक्सटी थाउजेंड इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो विल बी तो हमें इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना है बहुत सिंपल है देखो ऊपर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन थी ठीक है यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा इसमें ही तीन फॉर्मूले हैं आपके ठीक है यहाँ पे हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बट आपको क्या कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है इसमें कन्फ्यूज नहीं होना देखो सेवेंटी वन का फॉर्मूला आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है ,00 तो ,00 minus, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है एट लाख तो एट लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आपको रेशियो गिवन है ट्वेंटी फाइव तो एट लाख का अगर आप ट्वेंटी फाइव परसेंट आप करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा टू लाख ,00 ठीक है लेस कर देंगे हम तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई सिक्स लाख अब एवरेज इन्वेंट्री हम कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज इन्वेंट्री मैंने आपको बताया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितना है वन लैख एंड सिक्सटी थाउजेंड ठीक है ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारी वन लैख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू तो ये हो जाएगा वन लैख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू एड अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है सिक्स लैख डिवाइडेड बाई एट्टी थाउजेंड आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका सेवन पॉइंट फाइव टाइम्स आंसर आ जाएगा ठीक है सेवेंटी वन का बी इज द राइट ऑप्शन नाउ सेवेंटी टू क्वेश्चन देखो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय अ कंपनी विल बी हमें क्या कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो सिक्स टाइम्स मतलब इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है बच्चे ठीक है तो फॉर्मूले में पुट करना है सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं सेवेंटी टू का इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यही आपको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री ठीक है अब देखो ये हमें गिवन है सिक्स टाइम्स क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है सिक्स टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें ये कैलकुलेट करना है ठीक है एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है सेवेंटी थाउजेंड प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है एट्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आपका कितना आ जाएगा ठीक है सेवेंटी फाइव थाउजेंट आपका अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो सेवेंटी फाइव थाउजेंट आपका आ जाएगा अब हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवेंटी फाइव थाउजेंट सी ओ जी एस इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव थाउजेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे तो ये हमारा कितना आ जाएगा फोर लैक फिफ्टी थाउजेंट क्लियर तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड इज सी ऑप्शन आपका राइट right है नाउ सेवेंटी थ्री क्वेश्चन देखो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको गिवन है सिक्स लैक्स का इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो फाइव टाइम्स है क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो सिंपल सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ठीक है अब जो जो चीजें आपको गिवन है वैल्यू पुट कर दो फाइव टाइम्स तो यहाँ पे हम फाइव लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था भाई सिक्स लैक्स एवरेज इन्वेंट्री आपको कितनी गिवन है बच्चे यहाँ पे एट एवरेज इन्वेंट्री में हमें ओपनिंग इन्वेंट्री बोल रखा है एट्टी थाउजेंड है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई फाइव इन टू एंड प्लस सी आई डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू सिक्स लैक्स ठीक है अब हम इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं तो एटी थाउजेंड इंटू फाइव कितना आ जाएगा ये हमारा फोर लाख प्लस फाइव सी आई क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड सॉरी टेन लाख ट्वेल्व लैक्स ठीक है सिक्स लाख था सिक्स लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे टू से तो ट्वेल्व लाख हमारा ये आ जाएगा क्लियर अब इसे कैसे सोल्व करोगे देखो फाइव सी आई फोर लाख को यहां पे लेके चले जाएंगे तो ट्वेल लाख माइनस फोर लाख फाइव सी आई इक्वल्स टू तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई आप माइनस करोगे तो एट लाख नाउ सी आई इक्वल्स टू एट लैख डिवाइडेड बाई फाइव आप करोगे इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आपका आ जाएगा बच्चे वन लैख सिक्सटी थाउजेंड क्लियर तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट नाउ क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है ठीक है जैसे सेवेंटी फोर कराऊंगी ऐसे ही सेवेंटी फाइव आपको करना है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको सेवेंटी फाइव आपका आंसर आया या नहीं आया ठीक है आपसे हुआ या नहीं हुआ नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी नाउ सेवेंटी फोर क्वेश्चन देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा सिक्स लैक्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइव है इंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करना है इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज एटी थाउजेंड लेस दैन द क्लोजिंग इन्वेंट्री बात समझ में आई ठीक है अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे ये सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन फॉर्मूले में पुट कर लो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ठीक है अब इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आपको गिवन है कितना फाइव वैल्यू पुट कर दो ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कितना है सिक्स लैक्स आपको गिवन है डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री आपको कितना गिवन है भाई कुछ भी गिवन नहीं है हमें एवरेज इन्वेंट्री ठीक है क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला एवरेज इन्वेंट्री के बारे में तो ठीक है यही हमें कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री हमारा यहाँ पे चला जाएगा तो सिक्स लैक्स ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा बाई फाइव तो हमारा कितना आ जाएगा भाई वन ट्वेंटी थाउजेंड एवरेज इन्वेंट्री हमारी कैलकुलेट हो गई पता चल गया अब हम इससे ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री पता कर लेंगे ठीक है अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री में देखो एवरेज इन्वेंट्री आपको पता है वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड है ठीक है क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बोल रहा है ये देखो आपको फाइंड करना है ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज एट थाउजेंड लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक है ओपनिंग इन्वेंट्री क्या बोल रहा है ये कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री से लेस है एट थाउजेंड मतलब एट थाउजेंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको कुछ नहीं दे रखा कैलकुलेट करना है ठीक है अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई टू ठीक है एवरेज इन्वेंट्री कितना है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ओपनिंग इन्वेंट्री एट थाउजेंड क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस एट थाउजेंड ये वैल्यू हम पुट कर देंगे ठीक है हम क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चे वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इन टू टू आप कर दोगे ठीक है सॉल्व करना है जैसे आप मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते हो सेम वैसे इसे भी सॉल्व करना है तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई टू लैख फोर्टी थाउजेंड अब इसको भी सॉल्व कर लो तो ये हमारा कितना आ जाएगा सी आई सी आई तो टू सी आई क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस एट थाउजेंड अब इस एट थाउजेंड को हम इस साइड लेके चले जाते हैं तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस सॉरी माइनस था तो प्लस हो जाएगा एट थाउजेंड ठीक है यहाँ पे टू सी आई तो ये हमारा कितना आ जाएगा टू लैख फोर्टी एट थाउजेंड इक्वल्स टू टू सी आई क्लोजिंग इन्वेंट्री अब टू लैख फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू हम करेंगे इसे तो यह आपका कितना आ जाएगा ब्रैकेट को इसको सॉल्व कर दो मतलब डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा वन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है ये हमारा क्या आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है ओपनिंग इन्वेंट्री पूछा है राइट ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में क्या पूछा था इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज एट थाउजेंड लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लियर अब बस ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लो हमने यहाँ पे देखो किया था वैल्यू में पुट करना है ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू सी आई माइनस एट थाउजेंड अब आपकी सी आई कितनी है भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गई वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड माइनस एट थाउजेंट आप कर दो तो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री निकल जाएगा भाई तो ये हमारा कितना आ जाएगा वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है तो राइट आंसर क्या आएगा आपका वन लैख द राइट ऑप्शन ऐसे ही बच्चे आप सेवेंटी फाइव करके देखना ठीक है अगर आपका आंसर आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किन किन बच्चों का सेवेंटी फाइव का आंसर आया है ठीक है सॉल्व हुआ है किन किन बच्चों से सो so, यू बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी थैंक यू